आतंकी संगठनों के निशाने पर है। दरभंगा से संचालित होने वाली ट्रेन एनआईए को मिले अहम सुराग। दरभंगा के लिए चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेन आतंकी संगठनों के निशाने पर है। अब तक की जांच से दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के पीछे आतंकी साजिश की पूरी जानकारी एनआईए की जांच में सामने आ चुकी है। जांच में ये तथ्य सामने आ चुके हैं कि जान माल के व्यापक नुकसान के लिए आतंकियों ने चलती ट्रेन सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में आईईडी लगाई। यह संयोग था, इस घटना में आतंकियों को प्लान के तहत सफलता नहीं मिली। इसी स्थिति में आतंकी संगठन फिर से वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। इसे देखते हुए राज्य के रेल पुलिस अलर्ट हो गई है। उफनाई नदियां बरपा रही कहर, शहरी क्षेत्र में घुसा बाढ़ का पानी। नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी है। बागमती, कोसी, कमला, बलान व अधवारा समूह की नदियां उफनाई हुई है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी कहर बरपाने लगा है। बागमती का पानी शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने लगा है, इससे नदी किनारे रह रही आबादी संकेत में है। बाढ़ की आशंका के मद्देनजर लोग अपना जरूरी सामान लेकर ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने का विवश है। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था होगी और सख्त, यात्री सुविधाओं पर विशेष नजर। दरभंगा एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक अभिमन्यु डक्ष ने एयरपोर्ट की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट के अंदर व बाहर सहित तमाम बिंदुओं की बारीकी से जांच की। सेवा प्रदाता कंपनी स्पाइसजेट व इंडिगो के अधिकारियों के साथ साथ एयरपोर्ट डायरेक्टर और एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे पुलिस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। दरभंगा में चचेरे भाई ने दुष्कर्म कर बनाया वीडियो, गर्भवती होने पर शादी से इनकार। दरभंगा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां चचेरे भाई ने शादी का वादा कर दुष्कर्म किया। विवाद बढ़ने के बाद पंचायत हुई। आरोपी ने गांव में हुई पंचायत को मानने से इनकार कर दिया। दरभंगा ब्लास्ट के मास्टरमाइंड हाजी सलीम की सेहत में सुधार, जल्द भेजा जा सकता है जेल। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड हाजी सलीम की सेहत में अब सुधार बताया जा रहा है। एटीएस के डॉक्टर मनोज ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। मास्टरमाइंड हाजी सलीम यूरिन में ब्लड आने की शिकायत हुई थी, फिलहाल अब वो ठीक है। वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए न्यूज वीडियो लाते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज आप देख सके। 5 साल बाद 12 जुलाई से सीएम नीतीश करने जा रहे हैं ये काम, जाने क्या होने वाला है खास। बिहार में सीएम नीतीश कुमार जनता के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं। 5 साल बाद शुरू हो रहे हैं इस काम को लेकर सीएम ने 12 जुलाई की तारीख तय की है। दरअसल जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम 5 साल बाद फिर शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि 12 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी। बिहार में मोतिहारी और दरभंगा समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, सड़कों पर 4 फीट तक पानी भरा। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। मोतिहारी और दरभंगा में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कई सड़कें पानी में डूब गई है, इनसे आवागमन पूरी तरह ठप हो गई है। कुछ सड़कों पर पानी 3 से 4 फीट ऊपर तक बह रहा है। बिहार पंचायत चुनाव, उम्मीदवारों और वोटरों के लिए बने सख्त नियम, लापरवाही करने पर चुकाना होगा जुर्माना। कोरोना के दूसरे लहर ने बिहार समेत लगभग पूरे देश को पूरी तरह चपेट में लिया। संक्रमण को देखते हुए ही बिहार पंचायत चुनाव को टाल दिया गया। वहीं कोरोना की लहर जब शांत है तो चुनाव आयोग तेजी ये इलेक्शन कराने की तैयारी में जुटी है। लेकिन इस दौरान आयोग संक्रमण फैलाव को ध्यान में रखते हुए सख्ती भी बरत रही है। मतदान के दौरान कोई लापरवाही नहीं हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है, जिसमें मतदान केंद्रों पर वोटरों और ड्यूटी में लगे कर्मियों को मास्क पहनने की अनिवार्यता होगी। लापरवाही पर जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं वोटिंग सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन सख्ती से कराया जाएगा। विश्वविद्यालयों में डिस्टेंस मोड से बीएड और परंपरागत विषयों की पढ़ाई बंद। बिहार के विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीएड सहित परंपरागत विषयों की होने वाली पढ़ाई पूरी तरह बंद है। इससे लाखों छात्रों का नामांकन नहीं हो पा रहा है। यूजीसी के नियम अनुसार अब वही विश्वविद्यालय डिस्टेंस मोड में पढ़ाई करा सकते हैं जिन्हें नैक से एक ग्रेड प्राप्त है। वर्तमान समय में राज्य में एक भी विश्वविद्यालय को नैक से एक ग्रेड प्राप्त नहीं है। बिहार पंचायत चुनाव, बिना मास्क वोट देने पहुंचेंगे तो लगेगा 50 रुपया फाइन, जाने आयोग की तैयारी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल अब तेज हो गई है। कोरोना काल में सफलतापूर्वक चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों से लेकर मतदान और मतगणना तक कोरोना से बचाव के लिए हर स्तर पर इंतजाम करने में लगा हुआ है। धन्यवाद, आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।